तो दोस्तों यार हम कलमा चौक पर पहुंच चुके थे। ये देखे मेरे पागल कजन ने यार गन्ने का छिलका ही डाल दिए। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों सुबह के तकरीबन 12:01 का टाइम हो चुका है और मैं अपनी गली में हूँ। यहाँ से थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम बनाया मच्छर मेरा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ये कौन सा स्टाइल है। तो दोस्तों ये मच्छर का बाइक है और आप जा रहे हैं कहाँ, गन्ने का जूस निकालने। जी जी जी, तो गाइज आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, अपने कोई भी हिस्सा मिस नहीं करना व्लॉग का, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो चले हम अच्छा, ठीक है तो चलते हैं, चले। तो दोस्तों ये देखें हम बाज़ार में पहुंच चुके हैं। ये देखें बाज़ार भी हमारा आज, देख ले हम अच्छा ड्राइविंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये देखें अब हम कलमा चौक पर पहुंच चुके हैं। आगे हमारी एक गाड़ी चल रही है, हमें रास्ते नहीं दे रही। ये देखें, तो दोस्तों यार हम कलमा चौक पर पहुंच चुके थे, यहाँ पर देखे गन्ने वाला नहीं है, तो इसे अब हम अड्डे पर जा रहे हैं। ठीक है, आराम से है मच्छा, आराम से। तो दोस्तों इस वक्त हम अपने करोड़ शहर के बस्ता चौक पर पहुंच चुके हैं, आप रश देख सकते हैं। यहाँ पर अक्सर मोबाइल और कंप्यूटर्स वाली दुकान होते हैं, बाकी ज़्यादा दुकानें नहीं होती। ये देखें ये भी मोबाइल वाली दुकानें हैं, मोबाइलों का ही बाज़ार है। ये देखें बस ऐसे मिले मोबाइलों के बाज़ार है। तो बस अड्डे के करीब पहुंच चुके हैं, फिर आपको वहां जाकर दिखाते हैं। तो दोस्तों यार आके तो बहुत रश है, ये देखें फंस गया डाला यहाँ। ये देखें तो यहां से निकल चुके हैं हम। तो दोस्तों ये मजीद खाल का पेट्रोल है, पेट्रोल पम्प, तो ये सील हो चुका है, मुँह से निकल गया। तो दोस्तों यार हमने अड्डे पर भी देखे, यहाँ पर भी कोई अच्छी दुकान करने वाली नहीं मिली। एक मिली थी जहाँ पर बंदे मौजूद नहीं था, बस हम वहीं जा रहे हैं जहाँ पर खुद निकाला जाता है। ठीक है, तो अब वहीं चलते हैं। ठीक है, मशीन है वहाँ, बड़ा ही मज़ा आता है, आपको दिखाते हैं, अपने कोई हिस्सा मिस नहीं करना, हमारे साथ साथ ही चलते आना। ठीक है, अब चलते हैं वहाँ, आए। तो यार बाज़ार से वापस आ चुके हैं और दोपहर का खाना भी वहीं खाया था, वीडियो बनाना भूल गया था वरना आपको दिखा देता। तो अभी मैं आपके कज़न के घर आया हूँ, अपने यहाँ से अपने कज़न को उठाना है। ठीक है, अहमद शाह अंदर गए बुलाने, देखते हैं कब आते हैं। ठीक है, आ गए, आए। तो गाइस इस वक्त हम अपने मोटरसाइकिल पर मौजूद है, ये देखे दो पार्टी और आगे मास्क और आसान से, ये देखे और आगे अहमद शाह ड्राइविंग कर रहे हैं, ये देखे और जा रहे हैं और हम अपना गन्ना निकालते हैं और चलते हैं फिर अपने गन्ने का जूस निकालने। तो लेट्स गो। एक सहाबी आए, या रसूलुल्लाह आपके लिए जोड़ा लाया हूँ, आपको पहनाना है। आपने कहा कितने में लिया, तो कहने लगे या रसूलुल्लाह 27 ऊंट दे के जोड़ा खरीदा है। 27 ऊंट यानी पाकिस्तान का 54 लाख। तो यार हम अपनी यार जमीनों पर तो पहुंच चुके, लेकिन यार एक ट्विस्ट है, यहाँ गन्ने तो खत्म हो गए, गन्ने है नहीं, जूस कहाँ से निकालेंगे यार, बताएं यार जूस कहाँ से निकालेंगे, मेरा मतलब बस वही है यार, बताएं अहमद शाह आपको यार मैं आगे से हम दूसरी जमीन पर देखते हैं, क्या पता वहाँ पर खड़े हो यार। ये देखे गन्ना सारा खत्म हो गया है, काट के सफा हो चुका है। यार ये यहाँ पर किसी का घर है, इसलिए दिखाते नहीं आपको। ये देखे ये मैं पहले भी आपको मैंने दिखाए थे अपने ये खूब। ये देखे यहाँ पर हमारी सोलर प्लेट्स भी लगी हुई है। तो यार अब हम ये देखें अब जमीन से वापस आ रहे थे, क्योंकि यार ये देखें गन्ना तो ख़त्म हो चुका है यार, ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ यार। अब यार गन्ने का जूस कहाँ से लाएंगे, कोई बात नहीं यार, ये ट्रिप तो बस ऐसी चली गई। ओ यार क्या हो गया है, चले यार चले यार अहमद शाह धूड़े उड़ाए बड़ी मजे की। ओए तमीज़ से यार, तमीज़। Ha ha ha।
यहाँ पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरा बैग ग्राउंड, ये देखें ये वाली जगह है, ये देखें यहाँ से गन्ने का जूस निकाला जाता है। तो गन्ने तो है नहीं, बस आपको दिखा देते हैं कि जूस यहाँ पर गन्ना डाला जाता है और इसे घुमाया जाता है, फिर यहाँ से गन्ने का जूस निकलता है, ठीक है। और ये देखें यह मच्छर खड़े हैं ऐसे, यहाँ पर किसी का घर है यार। अब वापस जा रहे हैं, लेकिन देख लें यार कितने खूबसूरत इलाका है गांव वाला, मुझे तो गांव ही पसंद है यार, आगे हो जाए। चले फिर चले ऐसे, फिर आज आपने सारा रास्ता दिखाना है, जो करोड़ के लोग हैं यहाँ हमें देखते हैं उन्हें सारा ये पता चल जाए इस गन्ने निकालने वाले, गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन का, ताकि वो भी यहाँ आते हैं। नहीं यार इतनी लंबी वीडियो नहीं कर सकते ना, फिर क्लिप क्लिप करके दिखाऊंगा ना। अच्छा ये देखिए गाइस, मोड़ तक दिखा दें, मोड़ तक दिखा दें कि ये कैसा है। यार आप चुप कर जाए, आप ड्राइविंग पर फोकस करें, मरवाए ना हमें, हम बना लेंगे आराम से आराम से। क्या इतनी जल्दी यार आपको, यार आप सड़क पर आ चुके हैं, ये देखें यहाँ पर एक टोल भी था, वो देखें ये हमेशा ड्राइविंग कर रहे हैं, ये देखें यार इनको ना ड्राइविंग करने का ना तरीका नहीं आता, पता नहीं क्यों। 54 लाख का रेशमी नहीं था, वरना तो पहनते ही नहीं, रेशमी नहीं था, उसमें क्या काम हुआ हुआ था वल्लाहु आलम। आपने ये नहीं कहा मैं नहीं पहनता ले जाओ, इसराफ है। आपने पहना, थोड़ी देर उसको पहन के बैठे, फिर उतार के आगे दे दिया, अपनी उम्मत के मालदारों को भी रास्ता दे दिया। ये सुन्नत नहीं इजाजत है, कोई अगर अच्छा लिबास पहने। ये देखिए यार हम घोड़ा चौक पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर देखिए एक पेट्रोल पंप भी मौजूद है, ये खड़ा है, ये देखिए नया एम्बुलेंस पर, ये देखिए एक घोड़ा भी खड़ा है हमारा, ठीक है। और इस तरफ थोड़ी सी दुकानें हैं, अभी मोबाइल गिरता था यार, और वहाँ पर हमारी जमीन, ठीक है। तो बस घर पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सी सफर रह गए। मालदारों को भी रास्ता दे दिया, ये सुन्नत नहीं इजाजत है, कोई अगर अच्छा लिबास पहने, कोई अच्छी गाड़ी रखे, तो उस पर फतवे ना ठोको, मेरे नबी ने भी किया है। तो यार ये देखे यार, ये हमारे कजन मार्शा का डेरा बन रहा है, लेकिन ये इनकी जगह नहीं है, किसी और के ये बन रहे डेरा, ये देखे अभी बस 60 नहीं हुआ, ये देखे ये वाली मस्जिद वाली जगह 2010 में जब सलाब नहीं है तब यहाँ पर हमारी मस्जिद, ये हमारा डेरा है, आपको पहले दिखाया था, हो सकता है आपने मेरी वो वीडियो देखी हो। तो बस अब हम अपने घर पर पहुंच चुके हैं, ये देखें वो मोटरसाइकिल शूटर बन के जा रहे हैं। तो बस अपने मोहल्ले में यार हम पहुंच चुके हैं, ये हमारे डॉगी साहब भी जा रहे हैं एक्सरसाइज करने, बात बताएं एक्सरसाइज यार, ये हमारे कजन का घर बन रहा है जी। मैं शूटर हूँ कि नहीं मेरा तो पता है यार, आप बहुत ही बड़े ख़राब शूटर हैं यार, ये शोलर की दुकान है शायद आप जानते हो, जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो अब हम पहुँच चुके हैं यार, बस तो यार घर पहुंच चुके हैं यार, बड़ी मुश्किल से यार, जिस तरह इन्होंने मोटरसाइकिल चलाया, बस अल्लाह माफ़ करे, इनकी भी हालत टाइट हो गया। आपने अच्छा यार मैं व्लॉग को ये एंड करना चाहता हूँ, तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ऐसी इंटरेस्टिंग और व्लॉग के लिए मिलते हैं।